मुरादाबाद की हर बड़ी खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल और साथ में भी नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें। शादी का सपना देख रहे लोगों की जिंदगी में वो खुशियों की सौगात लेकर आती और सात फेरों के सात वचन लेकर जिंदगी भर का साथ निभाने का वादा कर घर में दस्तक देती। कहानी सिर्फ इतनी ही होती तो कोई बात नहीं, लेकिन शादी के जोड़े में सजी ये दुल्हन बहुत शातिर है। एक रात ससुराल में गुजारने के बाद इस दुल्हन का शातिर दिमाग अपने प्लान पर काम करना शुरू कर देता है और अपने गिरोह के लोगों के साथ मिलकर यह ससुराल का सारा सामान समेटकर बहाने से रफू चक्कर हो जाती। अब तक आधा दर्जन लोगों को शादी के नाम पर ठग चुकी इस लुटेरी दुल्हन को आखिर पुलिस ने गिरफ्तार कर ही लिया। पूछताछ के बाद लुटेरी दुल्हन ने जो राज उगले उन्हें सुनकर पुलिस अधिकारी भी सकते में पड़ गए। पुलिस ने लुटेरी दुल्हन के मास्टरमाइंड पति को भी गिरफ्तार किया है, जो नए ग्राहक तलाशने के साथ ही सामान समेटने की प्लानिंग तय करता था। कैमरों के सामने मुंह छुपाती और खुद को बेकसूर करार दे रही इस युवती को देखकर एक बार आप भी हैरान रह जाएंगे, लेकिन इसकी करतूत की दास्तान सुनकर आप चौंक जाएंगे। बॉलीवुड की मशहूर फिल्म डॉली की डोली की कहानी आपको भले ही फिल्मी लगती हो, लेकिन इस फिल्म का आइडिया इस युवती ने अपनी जिंदगी में उतारकर अमीर बनने का जो सपना देखा, उसने इसको वाकई लुटेरी दुल्हन का खिताब दिलवा दिया। शादी के सुर्ख जोड़े में सात फेरे ले रही प्रीति नाम की इस युवती के लिए शादी का यह जोड़ा पहनना हर महीने की बात है। अपने पति के साथ मिलकर प्रीति पहले खुद को कुंवारी बताकर लड़के तलाश करती है और फिर शादी रचाकर ससुराल में अपने शातिर दिमाग का इस्तेमाल कर नकदी और ज्वेलरी समेटकर फरार हो जाती है। देहरादून की रहने वाली प्रीति सबसे पहले दिल्ली में जाकर रहने लगी थी, जहां उसकी मुलाकात एक महिला से हुई। महिला ने प्रीति को साथ लेकर उसकी शादी रामपुर जनपद में की, जहां प्रीति कुछ दिन रहने के बाद सारा सामान लेकर फरार हो गई थी। रामपुर जनपद में प्रीति के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया, लेकिन पुलिस उसे पकड़ नहीं पाई। एक बार प्लान कामयाब हुआ तो प्रीति का हौसला बढ़ गया, जिसके बाद उसने रोहित नाम के लड़के से शादी कर ली और लूट के मामलों को अंजाम देने के लिए रोहित को साथ ले लिया। कुछ भी हुआ है इनके रिश्तेदार ने करवाया है, इन्होंने मेरे आदमी को मारने की धमकी दी थी। इन लोगों ने मेरे आदमी को 4 दिन से बंद रख रखा था। उसके बाद जब उन्होंने मारने की धमकी दी तो मेरे सामने इन पे हाथ भी उठाया, तो तब इन मजबूरी में उन लोगों ने जबरदस्ती। पुलिस यहाँ जो तुमने जो जानकपुर का मामला है, क्या है, किससे शादी की? जी हाँ, यही मामला है। ये इनके रिश्तेदार ने पैसे ऐंठने के मारे मुझे इनके घर भेजा था, मेरे आदमी को मारने की धमकी दी थी। मुक्तेश्वर में तुम्हारी शादी हुई थी, क्या वहाँ पर पूरा मामला है, मंदिर में क्या हुआ था? पूरे तुम्हारे विजुअल भी है शादी के? जी हाँ, मेरे फेरे वेरे सब हुए थे। रामपुर से दुल्हन बन ससुराल लूटने वाली इस खूबसूरत दुल्हन के हौसले बढ़ते गए और अपने पति के साथ मिलकर इसने मेरठ, अमरोहा, दिल्ली और मुरादाबाद में ग्राहक तलाशने शुरू कर दिए। लुटेरी दुल्हन अपने पति रोहित, रोहित की मौसी और एक परिचित के जरिए पहले शादी को इच्छुक लोगों को तलाश करते और फिर धूमधाम से दोनों की शादी कराई जाती थी। प्रीति का पति रोहित लूट की शादियों में दुल्हन का भाई बनकर कन्यादान की अहम भूमिका निभाता था। शादी के बाद एक रात ससुराल में रुकने के बाद प्रीति का भाई बना रोहित ससुराल पहुंचता और किसी परिजन की बीमारी की सूचना देकर प्रीति को घर भेजने को कहता था। घर से निकलते वक्त प्रीति और उसका कथित भाई बना पति रोहित नकदी और ज्वेलरी समेत लेते और गायब होकर दूसरे शिकार की तलाश में निकल पड़ते। शादी कराई थी जसमंत ठंडालपुर ने, जो है कि मेरे भांजी और भांजे हैं और रिश्तेदारी का कनेक्शन है, वो मेरे समधी हैं। और गढ़ जो गजरौला से मेरी जो है इन्होंने शादी कराई। शादी कराने के बाद में 1,40,000 रुपये नकद और 1,00,000 रुपये ही चीज, 1,00,000 रुपया प्लस जो है रुपये उठने के बाद में हमारी बारात परात सब गई, घर परिवार से 15 लोग गए शादी कर लाए। शादी करने के बाद में जो है एक रात प्रीति रुकी गौरव से जो है एक रात, दूसरी रात को जो है फरार करके 9:30 बजे घर से जो है लेकर आया पैशन प्रो मोटरसाइकिल प्लस 2012 मॉडल। बाकी हमने जो अपनी कारोबारी शुरू करी, जो मैंने ठेर थाने मुकदमा लिखाया और जो है कल शाम जो है हमने जो है वो गिरफ्तार करा दी। नहीं करवाया था योगेश जो है। तुम शामिल थे उसमें? नहीं जी। नहीं तो ये बताइए कि ये कहाँ कौन सा आदमी थे जिनसे इनकी शादी तय करवाई गई थी? यहीं कहीं है जी, गली के। आपको जानकारी थी? नहीं जी। नहीं, आपकी पत्नी थी, आपको जानकारी नहीं है? ये इनके रिश्तेदारों थी जानकारी। तुम्हें कैसे पता चला? इनके रिश्तेदारों ने बुलाया था ना मुझे।
तो क्या कहा उन्होंने? उनके पैसे हो रहे थे मेरे ऊपर, तो इस चक्कर में उन्होंने ये करवाया था। तुम्हें पहले से पता नहीं था कि 3-4 शादियाँ हो चुकी है पहले भी? नहीं नहीं, कब पता चला? मुझे अब पता चला है जी। तो तुम लेने नहीं गए थे इसे लेने नहीं गए थे बाइक पे? जी मैं लेने गया। तो तुम्हें पता नहीं था कि कहाँ से ला रहे हो, क्यों गई है? इस बार भी तो पता ही था मुझे, अगली बार कोई पीछे का तो मुझे कोई पता ही नहीं था, इस बार पता इस बार पता था ना। इस बार क्या बात हुई थी, क्या प्लान बनाया गया था, यही तो पूछ। इनके रिश्तेदारों ने बनाया था प्लान, बस। क्या प्लान था? खाली यही प्लान था, शादी करवा दो बस। तुम्हें बताया गया था जी? कितने बात पैसों में बात हुई थी? पैसे इनके रिश्तेदारों ने लिए थे, मेरे सामने कोई बात नहीं हुई, मुझे पैसे नहीं दिए। तुम क्यों मान गए फिर, अगर तुमसे कोई बात ही नहीं हुई थी, कोई पैसे? उनके पैसे थे, मेरे पे ब्याज चढ़ रहा था, तो वो कह रहे ऐसे ऐसे 15,000 रुपये। 15,000 रुपये में तुम तैयार होगी कि बीवी की शादी करवा दो? शिकार दर शिकार करती लुटेरी दुल्हन को पुलिस भी काफी वक्त से तलाश कर रही थी, लेकिन उसकी शातिर प्लानिंग के चलते वह गिरफ्तार नहीं हो पाई। बदनामी के डर से कई लोगों ने पुलिस को भी शिकायत नहीं की, जिससे उसके हौसले बढ़ते रहे। अपने पति के साथ मिलकर वह हर रोज शादी करने वाले युवकों को तलाश करती और संपन्न ग्राहक मिलते ही वह अपने मिशन में जुट जाती। पुलिस प्रीति के गृह में शामिल एक महिला और उसके परिचितों को तलाश कर रही है, जो प्रीति की गिरफ्तारी के बाद से फरार हो गए हैं। अब तक हुई शादियों में लाखों रुपए जमा कर चुकी लुटेरी दुल्हन और उसका पति अभी भी खुद को बेकसूर होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन शादी के वीडियो और उसके दावों की पोल खोल रहे हैं। पुलिस के मुताबिक गिरोह से जुड़े और लोगों की गिरफ्तारी के बाद इनके द्वारा की गई लूटों की संख्या का सही आंकड़ा मिल सकेगा। मनाठेर क्षेत्र के अंतर्गत योगेश नामक एक व्यक्ति है, 12 दिसंबर को उसने शादी की एक महिला के साथ, और शादी के दूसरे दिन महिला का एक मायके से तथाकथित भाई बनकर एक व्यक्ति आता है और उसको मोटरसाइकिल पर बैठाकर वहां से लेके चला जाता है, इस बहाने से कि उसके मायके में उसके दूसरे भाई की तबीयत बहुत सीरियस हो गई है। इस पर तथाकथित जो दूल्हा योगेश था, जिसके साथ शादी हुई थी, जब उन्होंने अपने घर को देखा तो उनके घर से काफ़ी सामान गायब था। उनके द्वारा पुलिस को सूचना दी गई, अभियोग पंजीकृत हुआ और पुलिस ने जब गहराई से तहकीकात की तो इसमें ज्ञात हुआ कि उक्त महिला के साथ एक पुरुष भी सम्मिलित है और इसमें और कुछ अन्य लोग भी सम्मिलित हैं, जिनके द्वारा इस प्रकार से अन्य कई घटनाएं की जा चुकी हैं। छानबीन के दौरान यह भी प्रकाश में आया कि रामपुर में एक व्यक्ति के साथ, अमरोहा जनपद में गजरौला में एक व्यक्ति के साथ, हरियाणा में रहने वाले एक व्यक्ति के साथ इस प्रकार के शादी के बहाने धोखाधड़ी और उनके यहाँ से सामान को चोरी करने की घटनाएं इनके द्वारा की जा चुकी हैं। पुलिस अभी गहराई से सारे पहलुओं की छानबीन कर रही है, इसमें कुछ अन्य लोगों के सम्मिलित होने की संभावनाएं अभी आ रही हैं सामने। खूबसूरत अदाओं से युवकों को अपने जाल में फंसाने वाली लुटेरी दुल्हन को शायद यह एहसास कभी नहीं हुआ कि उसके किए की सजा उसको सलाखों के पीछे पहुंचा सकती है। कानून उसके किए की सजा उसको निर्धारित प्रक्रिया के बाद सुनाएगा, लेकिन लुटेरी दुल्हन की गिरफ्तारी के बाद उन लोगों को राहत मिली है जो इस दुल्हन की अगली सूची में शिकार होने वाले थे। ऐसे में आप कह सकते हैं कि डॉली की डोली पार्ट 2 रिलीज होने से पहले ही हवालात में अपने किए पर पछता रही है। अगर आपको हमारी ये पेशकश पसंद आई हो तो फेसबुक पेज को लाइक करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें। यूट्यूब व्यूअर्स, अगर आप हमसे हमेशा जुड़े रहना चाहते हैं और हमें पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें।